बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल की 6 टीमें बनाई हैं। आरोपियों की तलाश में ये टीमें अब छापेमारी करेंगी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लखनऊ, मैसूरू, राजस्थान में छापेमारी करेगी, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में भी छापेमारी की जाएगी। तो स्पेशल टीम 6 जो है अलग अलग जगहों पर जाकर ये छापेमारी की जाएगी। जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से जहां जहां से ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि स्पेशल सेल की 6 टीमें बनाई गई हैं। दीपक हमारे सहयोगी मास जुड़ रहे हैं, डिटेल्स दीजिए दीपक, कहां कहां पर छापेमारी होगी? देखिए, एक साथ कई टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है चारों आरोपी की, और इस 7 दिन में वो कोशिश ये करेगी कि जल्द से जल्द सभी लोकेशन को ट्रेस किया जाए, क्योंकि जो आरोपी हैं वो इन 6-7 लोकेशन में है, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, और उसके अलावा लखनऊ, मैसूर, ये ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की टीमें बनाई गई हैं कि यहां पर जाकर वो सिंगल सिंगल वहां पर आरोपियों को लेकर जा सकती है। और इसी वजह से इन 6 टीमों को जल्द से जल्द निकलने के भी आदेश दिए गए हैं, ताकि कभी भी वो निकल सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कर लेना चाहती हैं एजेंसियाँ, क्योंकि कोई भी सबूत ऐसा ना हो कि जो नष्ट हो जाए, या फिर आरोपी या उनके कोई साथी उस चीज़ को नष्ट ना कर दे। और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की टीमें कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन सभी लोकेशन पर जाया जाए, और इसी के लिए टीमों को बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द जाँच के जो दूसरे लोग हैं, जैसे अभी अभी ये बताया जा रहा था कि महेश और कैलाश नाम के दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है कि जहाँ जहाँ ये लोकेशन है, जहाँ जहाँ पर छापेमारी होगी, कुछ और नए किरदार भी सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए एक दिन पहले ही देर रात को ललित झा नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, और नाटकीय रूप से ये गिरफ्तारी की गई थी, उसने सरेंडर किया था, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके साथ ही महेश और जो कैलाश नाम के दो शख्स और आए हैं सामने, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अभी कई और इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए पुलिस को आगे जाना है, और इसी वजह से कई टीमों को बनाया गया है ताकि ये टीमें अलग अलग लोकेशन पर जाकर उन सबूतों को अपने पास ले, और उसके अलावा लोकेशन पर जाकर उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि फोन जिसे नष्ट करने की बात की जा रही है, वो फोन के डेटा को खंगाला जाएगा ताकि इन तक पहुंचा जा सके। और इसीलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी कोशिश की जाए, और यही वजह है कि देर रात भी पुलिस की कई टीमें छापेमारी के लिए निकली थी। जी बिल्कुल दीपक, और जिस तरीके से अभी 6 टीमें बनाई गई हैं, कौन कौन इन टीम्स को लीड करेगा, कब तक जो है ये छापेमारी हो सकती है? और इसके अलावा जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि लखनऊ में स्पेशल जूते बनवाए गए थे, वहां पर भी क्या टीम निकल चुकी है वहां के लिए? देखिए, बिल्कुल सबसे अहम चीज़ लखनऊ जाना ही है, क्योंकि लखनऊ में जूते स्पेशल तौर पर बनाए गए थे, कि दो जूतों की जो जानकारी मिली थी कि अगर संसद के अंदर वो जा सकते हैं, तो सिर्फ जूतों की चेकिंग नहीं होती, और इसी वजह से उन जूतों को खास डिजाइन करके बनवाया गया था। वहाँ पर टीम निकल सकती है, और ये माना जा रहा है कि आज यहाँ लखनऊ के लिए टीम निकल सकती है, और इसी वजह से सागर को लेकर जा सकती है पुलिस, और उसके अलावा जो मनोरंजन डी है उसके भी इलाकों में, ठिकानों में मैसूर जा सकती है, क्योंकि मनोरंजन डी मैसूर का रहने वाला था, उसके अलावा बेंगलुरु से वो पढ़ाई कर रहा था, उस जगह पर लोकेशन पर जा सकती है। उस लोकेशन के अलावा कहां कहां पर कौन कौन लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनका खाका तैयार किया जा रहा है ताकि पुलिस जल्द से जल्द उन तक पहुंच सके, क्योंकि और ये सब पूछताछ के बाद ही होगा, एक दूसरे के साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी, तब जाकर इस पूरे नेक्सस का पता चल पाएगा। लेकिन दीपक, जो अहम कड़ियां थी वो जुड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, जिस तरीके से ललित झा को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कुछ मोबाइल फोन्स भी उसने नष्ट किए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? कल जो एक जो चैट सर्कुलर हो रही थी, वो चैट किसके साथ हुई थी, एक वीडियो भी भेजा गया था, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि वो वीडियो किसको भेजा गया था? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जिस दिन ललित झा ने 13 दिसंबर को अपने साथियों का वीडियो बनाया था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब नीलम और उसके साथी अमोल संसद भवन के ठीक बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्प्रे कर रहे थे, उसी दौरान ललित झा वहाँ पर वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाकर ललित झा वहाँ से निकला, और उस तुरंत ही वो वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ गया, और वहाँ पर उसने पोस्ट को कुछ लोगों को भेजा, और अपनी सोशल मीडिया साइट पर जाकर उसने उस वीडियो को वायरल किया कि उसने ये वीडियो बनाया। उसके बाद कुछ ऐसे दोस्तों को भेजा कि इस वीडियो को सेफली रख लिया जाए, यानी सेफली का मतलब साफ था कि उसे डर था कि उसके फोन से वो वीडियो डिलीट कर सकता है, तो वो दूसरा वो वीडियो। तो देखिए, कई तारें जो है यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आ रही है। दीपक, फिलहाल इस तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका रुख हम करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 टीमें बनाई है, अलग अलग जगह छापेमारी की जाएगी, और इसी मामले को लेकर देखिए लगातार अपडेट मिल रहे हैं, पूछताछ का दायरा जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो 6 टीमें बनाएगी, अलग अलग जगह जो है छापेमारी की जाएगी। और इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि हरियाणा हो, कर्नाटक हो, मैसूरू हो, वहां पर जाकर छापेमारी की जाएगी, कहां कहां पर कड़ियां हैं,
कितनी कड़ियां इन्हें जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसे में लखनऊ जहां पर वो जूते बनवाए गए थे वहां पर भी टीम पहुंच सकती है, उस दुकानदार से पूछताछ कर सकती है कि आखिर वो जूते कब बनवाए गए और किस हिसाब से बनाए गए। इसके अलावा ललित झा से भी लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि ललित झा ही वो मास्टरमाइंड था जिसने इस पूरे मामले को, इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए पूरी प्लॉटिंग और प्लानिंग की थी, और यही ललित झा था एकमात्र सूत्र जिसने इन चारों आरोपियों को एक साथ यहाँ पर गुरुग्राम में बुलाया और उसके बाद प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जिन्होंने किया है महेश, वो भी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन से लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स जो हैं यहाँ पर ललित को दिए गए, कितने फोन इनके पास थे, कितने फोन को नष्ट किया गया है, क्या क्या डेटा फोन में था उसे भी खंगाला जा रहा है। जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम टीम्स अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। देखिए कल चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया गया था, 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है। उसके बाद से अब देखिए जांच और सवालों का दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लगातार जो ये चारों आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ से ये काम किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार UAPA की कई धाराएं जो हैं इन आरोपियों पर लगाई गई हैं, और ये भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, उनका मकसद क्या हो सकता है ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। ऐसे में अब ललित झा और क्या कुछ कबूल सकता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो टीम्स हैं वो लगातार छापेमारी भी कर रही हैं। तो देखिए 5 हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, छापेमारी लगातार की जा रही है। मास्टरमाइंड जो है उसने खुद सरेंडर किया है, लेकिन ललित झा के कितने मददगार हैं ये सवाल अब तक बना हुआ है। इसके अलावा देखिए छापेमारी लगातार जारी है और ऐसे में अब कई कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही हैं। और पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि घटना से पहले ललित ने चारों के फोन अपने पास रख लिए थे, घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया। शक ये भी है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं, और पुलिस के मुताबिक यही वजह है कि इस मामले में जांच पूरी होने से पहले कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक घटना में आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि जिस प्लानिंग से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए पुलिस को शक है कि इन आरोपियों के पीछे कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा संगठन शामिल हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो रिमांड के दौरान आरोपियों को गुरुग्राम और मैसूर लेकर जाएगी, क्योंकि इन दोनों शहरों का कनेक्शन घटना की प्लानिंग से होने का शक है। इसके अलावा आरोपियों को लखनऊ भी ले जाया जाएगा जहां से जूते खरीदे गए थे। यही नहीं, आरोपियों को स्मोक बम की जांच के लिए मुंबई भी ले जाया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपी के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि ललित ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। है कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विकी के घर पर रुके थे। और UAPA की सख्त धाराएं लगाकर दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक के पीछे किसी आतंकी संगठन का भी हाथ हो सकता है। और पुलिस के मुताबिक यही वजह है कि इस मामले में जांच पूरी होने से पहले कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक घटना में आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है।
पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि जिस प्लानिंग से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए पुलिस को शक है कि इन आरोपियों के पीछे कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा संगठन शामिल हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो रिमांड के दौरान आरोपियों को गुरुग्राम और मैसूर लेकर जाएगी, क्योंकि इन दोनों शहरों का कनेक्शन घटना की प्लानिंग से होने का शक है। इसके अलावा आरोपियों को लखनऊ भी ले जाया जाएगा, जहां से जूते खरीदे गए थे। यही नहीं, आरोपियों को स्मोक बम की जांच के लिए मुंबई भी ले जाया जाएगा। और इसी वजह से संसद की सुरक्षा में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सुरक्षा जांच के तरीके में भी किए गए हैं और संसद की एंट्री के नियमों में भी हुए हैं। संसद की नई इमारत में एंट्री के 6 गेट हैं और उनसे अब एंट्री पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए एंट्री के अलग अलग गेट तय कर दिए गए हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से मेघालय के सीएम कुनार संगमा को पैदल चलकर संसद भवन में जाना पड़ा। संसद के गज द्वार से केवल प्रधानमंत्री की एंट्री होगी, उनके अलावा ये गेट किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा। हंस द्वार का इस्तेमाल केवल लोकसभा स्पीकर के लिए किया जाएगा। इसी तरह अश्व द्वार का इस्तेमाल राज्यसभा चेयरमैन की एंट्री के लिए होगा, जबकि सांसदों और मंत्रियों की एंट्री संसद के मकर द्वार से होगी। मीडिया कर्मियों की संसद में एंट्री अब गरुड़ द्वार से होगी, जबकि मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के लिए गरुड़ द्वार और शार्दुल द्वार होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा जांच में भी कुछ कड़े बदलाव किए गए हैं और संसद में दाखिल होने वाले लोगों के जूते उतरवाकर भी जांच की गई। संसद की सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए, जिनका पालन भी शुरू कर दिया गया है। संसद में विजिटर गैलरी में पहुंचने वाले लोगों पर भी चर्चा हुई है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर जवाब दिया और सांसदों से पास जारी करते वक्त सावधान रहने की अपील की। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद से ही संसद को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर मंथन हो रहा है, इसलिए फैसला लिया गया है कि विजिटर गैलरी के आगे शीशा लगाया जाएगा, ताकि भविष्य में विजिटर गैलरी में बैठा कोई शख्स कूद ना पाए। इसके अलावा एयरपोर्ट की तर्ज पर संसद में बॉडी स्कैनिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा संसद में सुरक्षा कर्मियों की गिनती बढ़ाने का फैसला लिया गया है और संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किया है, जिसके बाद कुल 15 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। इन 15 सांसदों पर संसद में अनुशासनहीनता का आरोप लगा। हालांकि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों की तुलना सरकार ने उन्हीं आरोपियों से की है जो एक दिन पहले विजिटर गैलरी से कूदे थे। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा भी हैं, जिनकी सिफारिश पर आरोपियों को संसद में एंट्री मिली थी। कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी सांसद के पोस्टरों की चप्पल से पिटाई की है। इतना ही नई तस्वीरों में प्रताप सिम्हा के हाथ में आतंकियों की तरह बंदूक तक दिखाई गई। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह बड़ा दावा है कि संसद में स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड और साजिश का छठा आरोपी कोलकाता का रहने वाला ललित झा है, जिसने इस घटना के करीब 30 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया। उसके इशारे पर संसद के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। संसद के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैठ की, बल्कि दोनों दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गए। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजूद तमाम सांसद बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआं छा गया। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी कर दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला, या ये कहें कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा है। पुलिस के सूत्रों का ये भी दावा है कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों आरोपी उसी के संपर्क में थे। और पुलिस सूत्रों का यह बड़ा दावा है कि घटना से पहले ललित ने चारों के फोन अपने पास रख लिए थे। घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया। शक ये भी है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं और इसीलिए प्लानिंग के तहत आरोपी ललित इस घटना के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। शक है कि उसने मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुड़े सबूतों को मिटा दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से पर्दा उठाने में जुटी है। इसके लिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है।
क्योंकि शक ये है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच जरूरी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला ललित पेशे से एक टीचर है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपी के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विकी के घर पर रुके थे।